राष्ट्रीय जनता दल पटना, दिल्ली या रांची में सवाल लेने से नहीं भागता। हम उनमें से नहीं जो एक तरफा अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे शांति की अपील एक बार पुनः करता हूं और ये कहता हूं कि बीते कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ, कल भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा अप्रीतिकर लगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहां बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का, हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े, 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे, हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी, कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डुल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जिस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख में चौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता है, अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहां रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष दो दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई परसों रात, हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिलकर लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से, उसको विराम देना है। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ। कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई, 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा था। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास,
इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है किसी भी दल से ज्यादा, क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे, हम सृजन वाले लोग हैं। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि हमारा ये मानना है कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़ें, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है, क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई, इनको कम प्रलोभन दिया गया, हमारे नेताओं को कम प्रलोभन दिया गया, यहां बैठे हुए लोग हैं प्रलोभन के आगे नहीं झुके। तो ये जो प्रतिबद्धता है, ये हमारे राजनीति की विरासत है। अभी हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विछत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है, और चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी को आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी हों या कांग्रेस के हमारे साथी हों, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम, जैसा मैंने पहले कहा कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे, हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14-19, और जहां हाल के दिनों में एक एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हमलों के बीच के भी फैसले होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे किसी भी विकल्प के अनुरूप उसके आलोक में। मूल बात बताइए सर, मूल बात आरजेडी को आप अगर जानते हैं तो मूल बात ये है, बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ हैं, ये मूल बात है। एक एक मिनट, एक एक ही तरह, एक एक मिनट, एक एक करके मैं सबका सवाल लूंगा। दोनों सवाल आप लोगों के एक जैसे हैं, आप हमसे अंक पूछ रहे हैं। अभी तक मैं अंक बोल चुका, कई दफा बोल चुका, 7 पे 7 पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए, हम 18 से 20 पे मजबूत है, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। अगर हमसे कहा जाए कि आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। आप एक एक हमारे यहाँ कहावत है, आप अगर बिहार के उत्तर बिहार में कि एक बेर मंदिर जाके सबटा दुआ कबूल नहीं होइ छे, यानी कि सारी मनोकामनाएं एक। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थी, आप लोगों को लूप में रख रहे हैं। कल भी जब एक निर्णय लिया, आपको बताया और आपको बता रहे हैं, जिस गठबंधन का निर्माण ही हमने किया, एक मिनट, जिस गठबंधन का निर्माण हमने किया राष्ट्रीय स्तर पर, आपको याद होगा पटना में पहली बैठक हुई थी, एक मिनट सर,
ये एक मिनट, इंडिया गठबंधन का निर्माण हमने किया, जिस शिशु का निर्माण हमने किया ना, उसकी हत्या तो हम नहीं करेंगे कभी। आपने 7 सीटों पर लड़ा, क्या इस बार वो नंबर इससे ज्यादा होगा या कम होगा? 12 से नीचे कबूल है या नहीं? आप क्या, अगर 12 से नीचे कबूल है उसके बाद मेरा कत्ल कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको डेटा वाइज बता दिया, 14-19 सात सीट लड़े, और आपको ये बताऊं, 7 में एक सीट हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, बरकट्टा हमें दिया गया। बरकट्टा को छोड़ के हर जगह हम लोएस्ट मार्जिन में चुनाव हारे हैं। आप सब डेटा देख लीजिए 19 का, आपको पता चल जाएगा। 14 का भी मैंने आपको बताया कि 14 में हम नहीं जीते, सरकार भी नहीं बनी थी। और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जब हम जीतते हैं तभी सरकार बनती है। एक कुछ चीजें जो आपको मैंने सिलसिलेवार ढंग से बता दी, आप एक बात जान लीजिए, आपको सिलसिलेवार बताया, ये तैयारी हमारी है। कल 11 बजे तक आपके पास सारी जानकारी सीट वाइज उपलब्ध होगी।